आप देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। बॉलीवुड के सुपरस्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी लॉकडाउन में भी अपने पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने व्हाट्सएप के जरिए से तलाक का कानूनी नोटिस भेज दिया है। उनका कहना है कि उनके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे। नवाज ने आलिया से 2009 में शादी की थी, दोनों के बच्चे भी हैं। 10 साल की शादी के बाद आखिरकार लॉकडाउन में ही अपने पति को तलाक का कानूनी नोटिस भेज दिया है। आलिया के वकील अभय सहाय ने साफ किया है कि क्योंकि इस समय पोस्ट ऑफिस बंद है और स्पीड पोस्ट से नोटिस नहीं भेजा जा सकता, इसलिए नवाज को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए नोटिस भेज दिया गया है। वहीं नवाज की पत्नी ने इस नोटिस पर कहा कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ये दोनों पति पत्नी लंबे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। नवाज के बच्चे भी उनकी पत्नी के पास ही रह रहे हैं। आलिया ने अपने बिगड़े हुए रिश्ते पर भी बात की है। आलिया के वकील अभय सहाय के मुताबिक उनकी क्लाइंट और नवाजुद्दीन की पत्नी ने ये नोटिस तलाक और मेंटेनेंस के लिए भेजा है। वकील के मुताबिक आलिया ने खुद भी नवाज को इस नोटिस की कॉपी व्हाट्सएप पर भेजी है, लेकिन नवाजुद्दीन ने इस नोटिस का जवाब देना तो दूर, कोई प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं समझा। नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया ने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे, हमेशा हमारे रिश्तों में तनाव रहा और मैंने एक पत्नी की तरह बहुत सारी बातों को इग्नोर भी किया। वो सेलिब्रिटी हैं और मैं इस बारे में बात करती तो बात और बढ़ती, संभलती नहीं। मैंने अपने रिश्ते को बचाने की काफ़ी कोशिश की, उन्हें ना मेरी फिक्र है और ना ही बच्चों की। हम काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं, बच्चे मेरे साथ हैं। इस लॉकडाउन में भी उन्होंने मेरा और बच्चों का हाल नहीं पूछा, इसलिए मैंने इस बारे में काफ़ी गहराई से सोचा और मुझे लगा कि रिश्ते को सिर्फ पब्लिकली दिखाने के लिए रखने से बेहतर है कि अलग हो जाना, इसलिए मैंने तलाक का फैसला लिया है। आलिया ने कहा कि मैंने उन्हें नोटिस भेजा है लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने तय कर लिया है कि इस समय यही बेहतर है। मेरी कोशिश है कि मुझे बच्चों की कस्टडी मिले, बच्चे मेरे ही साथ रहेंगे। इससे पहले भी नवाज की शीबा से शादी हुई थी जो कुछ ही वक्त चल पाई। ये जानकारी इकट्ठा करी थी जिशान हाशमी ने। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।